राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्रों ने 403 मांगों को लेकर प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। कैंटीन, चार दीवारी और पार्किंग की है मुख्य मांग। आज राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्रों द्वारा प्राचार्य को कॉलेज के हित में 403 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें छात्रों ने कॉलेज की पार्किंग व्यवस्था, कॉलेज में कैंटीन और कॉलेज की चार दीवारी को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आज राजकीय विधि महाविद्यालय में 3 सूत्री मांगों को रखा गया, जिसमें स्थायी मान्यता को मुख्य रखा गया और परिसर की पार्किंग व्यवस्था, कैंटीन व्यवस्था और चार दीवारी को भी सम्मिलित करके प्रधानाचार्य महोदय को अवगत कराया गया कि कैंपस में अनेक प्रकार की समस्याएं चल रही है, जिससे ना तो समय पे प्रवेश हो पा रहे, ना हमारे एग्जाम टाइम पे हो पाते हैं, ना कोई रिजल्ट टाइम पे आ पाता है। इस वजह से हमने आज प्राचार्य महोदय को सांकेतिक रूप से मौन प्रदर्शन करके इस चीज़ से अवगत कराया। अगर इसके फलस्वरूप अगर प्रधानाचार्य समय पे मान्यता के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं तो छात्र शक्ति उग्र प्रदर्शन करेगी। धर्मेंद्र बाजा, छात्र संघ महासचिव, राजकीय विधि महाविद्यालय।